आज का दिन हमारे लिए बहुत एक खुशी का दिन था, क्योंकि हम यूके में किसी की शादी पहली बार अटेंड करने के लिए जा रहे थे, और वो कोई और नहीं, हमारे साथ पढ़ने वाला हमारा दोस्त अबू बकर, जो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। भाई जान, ये है हमारे दूल्हे मियां। अस्सलाम वालेकुम। काफी शॉपिंग की थी पाकिस्तान से। पाकिस्तान सारे कपड़े बनवाए थे। आप बात भी चले के सही निकली है। आप मैं कपड़े आज खरीदे थे। अच्छा, वैसे यकीन करो, एक दफा भी ये नहीं लगा कि यूके में किसी शादी को अटेंड कर रहे हैं। सेम ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम पाकिस्तानी किसी की शादी पे आ रहे हैं। रोटी खोल लेंगे एक बार। मैं दस देना कि रोटी की शह होगी। उस्ताद खाली क्यों पे? खाली क्यों? ढूलिया तेरा हाल ही गला खुश्क हो गया। दूल्हे ने बुला लिया हमें, हम शर्मो शर्मी जा रहे हैं। देखो क्या होता है। भाई जान ढोल वाले को बुलाने गए हैं। आप लोग सारे उसके सर वहां से एंट्री में आप सीधा
ये भैया आपको कैसा लगा यूके की पहली शादी अटेंड? रोटी में लेके पता चलेगा कैसा लगा। अच्छा, रोटी से पहले ना रोटी को बोल दो बस। लो जी, अभी ये जूस पीने लगा। खैर खैर जाइए वाला। कजन की मेहंदी हो जी। भाई जी बहुत बहुत मुबारक हो। तो सर जी, हम दूल्हे के दोस्त थे तो हमारे बहुत ज़्यादा एक VIP प्रोटोकॉल मिलना था और एक अलग से टेबल हमारे लिए रखना था। और ये भाई हमारे लिए प्लेटें रख रहे हैं। रोटी आप खा लीए तो तुरया बिल्कुल नहीं जा रहा। चाय भी पी ली हमने, ठीक है। और अब हम जाएंगे अपने दूल्हे मियाँ से सलाम दुआ लेने के बाद अब जाएंगे घर, ठीक। लाइन में खड़े हुए हम और जाना है जाके फोटो खिंचवाने। फाइनली ओके लगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो।